हल्दी की खेती, अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए हल्दी की खेती किसान भाइयों के लिए वरदान से कम नहीं है। बिहार की यह प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हमारे भोजन बनाने में प्रतिदिन किया जाता है। हल्दी में काफ़ी औषधीय गुण होते हैं। यह धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी इसका उपयोग होता है एवं इसके निर्यात से भारत को करोड़ों रुपया विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं, ये वैरायटी राजेंद्र सोनिया है, जो कम ऊंचाई का लगभग 60 से 80 cm का इसका ऊंचाई आता है। 195 से 210 दिनों में तैयार हो जाता है। उपज इसका 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके लिए दोमट मिट्टी, बलुआ दोमट मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। एक एकड़ में 8 क्विंटल बीज लगता है और 150 से 200 क्विंटल उत्पादन हो जाता है। ये 15 मई से लेकर के पूरे जून भर लगाया जाता है, यानी मानसून शुरुआत से पहले। इसके दो विधि है, एक समतल विधि और एक मेड़ बना के लगाया गया। बरसात के समय में इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अधिक दिन तक यदि बरसात न हो तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी खेती वहाँ होना चाहिए जहाँ जल निकासी का सुविधा हो, ताकि जल भराव न रहे, खरपतवारों को नियंत्रण में रखें। समय समय पर निकाई गुड़ाई किया जाता है। इसका खुदाई जो सोट बनाने के लिए किया जाता है, पौधों को पीले पड़ने लगते हैं जब पौधे, तब उसका खुदाई कर लिया जाता है। फिर इसको उबाल करके इसको सोट बना करके रखा जाता है, जो कि मसाले में और अन्य कामों में काम आते हैं। दूसरा, बीज बनाने के लिए भी इसकी खुदाई की जाती है। जब पौधे पूरी तरह सूख जाते हैं तब उसकी खुदाई करके उसके गांठ को सूखी ठंडे जगह पर स्टोर किया जाता है, जो आगे बीज के काम आ